हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ टेक्निक में हम एक साथ कितने विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम उसमें एक विश को करें या मल्टीपल विशेस को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, व्हाट इफ टेक्निक एक इतनी पावरफुल टेक्निक है कि आप इसमें कोई भी विश करें, एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप एक टाइम में 5 विशेस को लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होती है। क्यों मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी आप बोलोगे कि आपने तो कहा कि आप एक साथ कई विशेस को कर सकते हैं। हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब हम बहुत ढेर सारे विशेस को एक साथ मैनिफेस्ट करते हैं तो उस टाइम पर हमारा फोकस किसी एक विश पर नहीं होता है। हम याद करने में लग जाते हैं, अच्छा ये विश है, वो विश है। इसलिए तो मैं इतना कहूंगी कि अगर आपको एक टाइम में मल्टीपल विशेस को मैनिफेस्ट करना है तो आप 5 विशेस चूज कर लीजिए कि आपको कौन सी विश करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप सबसे पहले उस विश को करिए जो बहुत ज़्यादा आपके लिए नीडी है, जो इस टाइम में, इस सिचुएशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सारी चीज़ें तो आप बाद में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट हमें अगर एक ऐसी टेक्निक मिली है जिससे हम अपनी चीज़ों को पा सकते हैं बहुत जल्द, तो हमें, ये मेरा मानना है कि हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो इस टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक नीड है हमारी, उसे हमें ज़रूर कहना चाहिए। तो आप कोई भी 5 विशेस ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हो, वो आपके लव रिलेटेड हो सकता है, मैरिज हो सकती है, जॉब हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, मनी हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी हो सकता है, पॉजिटिविटी हो सकता है, जो भी आप चाहें वो चीज़ें सोच सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी ये खास बात है कि ये टेक्निक सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनों के लिए भी कर सकते हैं। मींस कि आप यहाँ पे बैठ के दूसरे लोगों के लिए भी व्हाट इफ टेक्निक कर सकते हैं। मींस आपका, आपके घर का कोई भी मेंबर अगर बीमार है और आप उसके लिए ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो आप दूर बैठ कर भी व्हाट इफ टेक्निक को कर सकते हैं। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, या आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनमें किसी को प्रॉब्लम है, या किसी के लिए भी किसी भी सिचुएशन में आप व्हाट इफ टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मिरेकल टेक्निक मानी गई है, इसलिए आप इस एक बार इसको ज़रूर करें। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको अपने मुँह से कहना ही होता है और कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपको क्या करना है कि आपने जैसे 5 विशेस सोच ली, ओके, उसके बाद आप अपनी 5 विशेस को एक अफर्मेशन के रूप में बोलिए कि लाइक अगर मुझे जॉब चाहिए तो व्हाट इफ यूनिवर्स कि मुझे ये जॉब मिल जाए या मिल गई है, ओके, इन दोनों में से आप बोल सकते हैं। फिर अगर आपको जैसे किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज करनी है, व्हाट इफ़ यूनिवर्स इस लड़के से या इस लड़की से मेरी मैरिज हो जाए, व्हाट इफ़ यूनिवर्स मेरे पास इतना लमसम अमाउंट हो जाए, व्हाट इफ़ यूनिवर्स मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाए, व्हाट इफ़ यूनिवर्स मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी आ जाए, मतलब जो भी आपके विशेज़ हो आप व्हाट इफ़ टेक्निक के थ्रू बोल सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या व्हाट इफ टेक्निक में लेट गो होता है, तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि व्हाट इफ टेक्निक में लेट गो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका नाम ही है व्हाट इफ, यानी कि एक्ट एज इफ, यानी कि हम जो चाहते हैं वो हम फील कर रहे हैं, तो इसमें हमें लेट गो करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आप आराम से इस विश को करिए पूरे कंसंट्रेशन फोकस के साथ, यूनिवर्स पे और ख़ुद पे बिलीव के साथ साथ इस विश को कर, इस टेक्निक को करिए और आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप पहले अपने 5 विश सोच लीजिए, व्हाट इफ़ के थ्रू इस टेक्निक को यूज़ करिए और कम से कम 21 डेज इसे करिए, ओके। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही दिन में ये सारे विशेज़ हो जाएंगी आपकी, बट आपको इसको 21 डेज पूरी लगन के साथ करना होगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि हमने अगर 5 विश को मैनिफेस्ट किया है तो हम एक विश को कितनी बार रिपीट करें। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप इसको 21 या 28 टाइम्स करें, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा बार नहीं कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर विश को, इतना टाइम नहीं होता है, प्लस हम इतनी बार नहीं बोल सकते हैं। इसमें आप एक विश को 5 टाइम रिपीट कर सकते हैं, 5 टाइम बोल सकते हैं। और जैसे कि आपने एक विश को 5 मिनट बोला, फिर आप इसको आधे घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं, या एक घंटे बाद आपने रिपीट कर दिया, बट आप इन 5 जो आपने विश मैनिफेस्ट की है उसको थोड़ा थोड़ा रिपीट करके बोलिए। मीन्स कि आपको हर एक विश को थोड़ा सा, जैसे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, इतना टाइम देकर आप इसे रिपीट कर सकते हैं, बट 21 डेज आपको ये कंटिन्यूसली करना ही है।
तो अगर आपको जैसे ये अफर्मेशंस बार बार याद करने में परेशानी होती है और आपको लगता है कि हम भूल जाते हैं, तो आप सबसे इसका एक सिंपल ट्रिक है जो बहुत ही इजी और अच्छा ट्रिक है, वो ये है कि आप एक पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, और जो भी आपकी ये फाइव विशेज़ हैं, आप चाहे फाइव विशेज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थ्री कर रहे हैं, टू कर रहे हैं, या जितने भी आप कर रहे हैं, तो आप उनको क्या करें कि उन एक विश का अफर्मेशन अपने पेज में, एक कॉपी में, या किसी भी चीज़ में आप लिख लीजिए और अपने फ़ोन से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उससे क्या होगा कि व्हाट इफ टेक्निक करेंगे तो उसमें क्या, अगर आप अफर्मेशंस भूल रहे, जैसे कई बार होता है ना, जल्दी में हम रहते हैं तो हम अफर्मेशंस बनाना हमको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से बनाएं, तो आप ना भूलें इस चीज़ को, इसके लिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जब भी आप व्हाट इफ टेक्निक करें, अपना फ़ोन ऑन करिए, उसको देखिए और अफर्मेशन बोल दीजिए। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी जो व्हाट इफ टेक्निक का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये एक स्क्रिप्टिंग का भी एक तरीका होता है, मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊँगी कि हम व्हाट इफ टेक्निक को स्क्रिप्टिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल कि आप एक साथ मल्टीपल विशेज़ को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, अभी आप इस पर फोकस करिए कि एक साथ आप मैक्सिमम फाइव विशेस, मैं इतना कहूंगी कि मैक्सिमम आप फाइव विशेस करिए, अदरवाइज आप थ्री लेंगे, मतलब जितनी कम विश आप लेंगे उतना ज़्यादा फोकस एंड उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन कर पाएंगे। तो जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसको ध्यान में रखकर उसी विश के लिए आप मैनिफेस्टेशन अपना शुरू करिए, और 21 डेज तक आपको लगातार करना है। आप बीच बीच में इसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए रिपीट कर सकते हैं, लाइक अफर्मेशन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको अफर्मेशन बार बार बनाने में मुश्किल आ रही है तो आप एक डायरी और पेन लीजिए, हर एक विश से रिलेटेड अफर्मेशंस लिखिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। जब भी आप इस टेक्निक को करें, जब भी आप इसको रिपीट करें, आपको अफर्मेशंस बोलनी हो, आप फ़ोन ऑन करिए, देखिए और अपनी अफर्मेशंस बोल के अपने विश को मैनिफेस्ट कीजिए। तो ये था तरीका व्हाट इफ टेक्निक का, जिसमें कि ये क्लियर हो गया कि व्हाट इफ टेक्निक में हम कितनी विशेस को एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।